यार अभी आधा घंटा हो गया है हम यहाँ पर खड़े हैं, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और वहाँ पर दूर भी अगर हम देख रहे तो पूरा धुंधला धुंधला है, तो आगे और भी वेदर खराब है। क्या मोदी जी, जब हम आए थे तभी आपको दिल्ली में बारिश कर रही थी। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल TU TV। ले की इस तीसरी सुबह ने, एक्चुअली दूसरी हमारी ट्रिप की तीसरी सुबह ने हमें हमारा स्वागत किया है बरसात के साथ। ले में हो रही है बारिश। कल तक जो ये माउंटेंस दिख रहे थे एकदम क्लियर दिख रहे थे, आज थोड़े ऐसे विजिबिलिटी कम है उनकी और धूप तो बिल्कुल नहीं और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। देखिए तो ऐसा बोलते हैं कि अगर लेह में बरसात हो रही है तो ऊपर खारदुंगला में स्नोफॉल हो रही होगी, तो हमें खारदुंगला तो कल जाना है, बट अगर स्नोफॉल रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगा। और कल रात को मेरी और तेजल की दोनों की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, क्योंकि आप आते हो जब पहाड़ों में आप आते हो तो आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम लगता है, तो उसके लिए हमने कल, वैसे तो हमने जैकेट्स लिए थे बट मैंने पहना नहीं, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ी ठंड भी लग गई थी रात को जब हम ले मार्केट से वापस आ रहे थे तभी, और थोड़ा एकदम से सर घूम गया था हमारा, मेरा भी और तेजल का भी। तो फिर हमने फटाफट एक एक क्रोसिन लिया और फिर हम सो गए, और लकीली मतलब हमारे पास टाइम है आज थोड़ा निकलने के लिए, तो आज हम आराम से उठे हैं, हमें मस्त 8.5 hours 9 hours की स्लीप मिली है, तो अभी हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं। अभी हम नहाएंगे, रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर साइट सीइंग के लिए निकल जाएंगे। तो अभी फाइनली हम नहा धो के तैयार हो गए और आज हम बिल्कुल चांस नहीं ले रहे हैं। हमने ऑलरेडी डबल लेयर डाल लिया, एक लेयर इनर का डाल लिया और एक लेयर हमने ऊपर डाल लिया, और एक और हम जैकेट भी कैरी करने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी बारिश हो रही है बाहर तो ऐसा लग रहा है कि ठंड शाम को ठंड और भी ज़्यादा होने वाली है, तो इसके लिए हम कोई बिल्कुल भी चांस नहीं लेने वाले। अब जाकर अभी 11 बज रहे हैं, अब जाकर थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है, तो अभी हम फटाफट बस रेडी हो रहे, हमने हम वैसे रेडी थे बट अभी राइडिंग जैकेट डालेंगे और बाइक चालू करके निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। ये हमारी बाइक ऑल सेट टू गो। बस अभी चालू करनी है और निकलना है फटाफट। अभी वॉर मेमोरियल देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे जंस्कार इंडस रिवर का जहाँ पर संगम होता है जो वो देखेंगे, और दो जगह हैं मुझे याद नहीं आ रही अभी, तो रास्ते में हम जैसे जैसे हम पहुँचेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो अभी बस हम रेडी हो गए निकलने के लिए, फटाफट ग्लव्स डाल लेता हूँ। एक्चुअली में ये जो ग्लव्स हैं मैंने अमेजोन से मंगाए थे 350 के लिए, सिटी राइडिंग के लिए, ये यहाँ के लिए नहीं है, तो मैं देखूँगा अगर शाम को मैं दूसरे ग्लव्स अगर यहाँ पर मुझे मिले तो मैं ज़रूर लूँगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करनी है। यहाँ पर कुछ साइन ब्रिंग कर रहा है मेंटेनेंस का, बट पता नहीं, कल मैंने करवाई तो थी क्योंकि कल जब मैं लेके गया था बाइक तो कल थोड़ी मिसिंग मार रही थी, तो अभी देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आज भी साइट सीइंग जो है वो काइंड ऑफ लोकल ही है। तो अभी एक प्रॉब्लम हो गई है हमारे निकलने के पहले ही, जो हमारी बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ तो फाइनली अभी चालू हुई है, शायद वो जो ऑयल का था वो ऑफ था, अभी सही हो गया। कहाँ से था ये था ना आपको ये हाँ था ना हाँ हाँ अभी फुल चल रहा है। अच्छा अच्छा फिर अभी रिजर्व में लगेगा। हाँ हाँ अच्छा, हमारे हिमालयन पर, और शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रोग्राम है भगवान का नाम लेकर। आजा तेल, तेजल ने तीन बाइक पकड़े, एक उसका खुद का और एक्चुअली दो उसके खुद के और एक मेरा है। तो अभी हम हमारे होटल से शुरू करते हैं हमारा आज का साइट सीइंग का प्लान।
ओम श्री गणेशाय नमः। पर पेट्रोल पंप पे तो काफ़ी ज़्यादा लाइन है कंपेयर टू यस्टरडे। हम कल आए थे तो बिल्कुल रश नहीं थी, आज तो इतने सारे बाइकर्स हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइकर्स की लाइन लगी हुई है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई साथ में मिल जाए, हम जहाँ भी जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए कारगिल रोड पर। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं जो यहाँ से जाते हैं, एक रास्ता जाता है कारगिल की तरफ और एक रास्ता जाता है पैंगोंग की तरफ। तो अभी हमें आज के लिए कारगिल का रोड पकड़ना है और वो मैंने सुना कि हाईवे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स सी कैसा होगा, मैं आपको बता दूंगा फ्यूलिंग करने के बाद। तो भाई साहब हमने पेट्रोल तो भरा लिया बट यहाँ पर तो बरसात चालू हो गई है, तो आई थिंक हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि हमारे पास रेन गियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ठंड की वजह से, हम पूरे काँप जाएंगे अगर यहाँ पर हमने बारिश में कंटिन्यू किया तो। तो हम यहाँ पर फिलहाल साइड पे रुक जाते हैं क्योंकि बरसात में चलाना इज़ नॉट रिकमेंडेबल वैसे भी, और ऐसे ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं। आप तीन लोग की जा रही थी? हाँ जी। और ये तो निकल गए जिनके साथ हमने बात की थी, वो गीले होके जा रहे हैं। यार अभी आधा घंटा हो गया है हम यहाँ पर खड़े हैं, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, और वहाँ पर दूर भी अगर हम देख रहे तो पूरा धुंधला धुंधला है, तो आगे और भी वेदर ख़राब है। क्या मोदी जी, जब हम आए थे तभी आपको ले में बारिश कर रही थी। खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं हम वापस हमारे होटल जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ये जैकेट का जो रेन का लेयर है वो होटल में ही मैं छोड़ा आया था। मुझे लगा था कि अभी बारिश नहीं होगी, पर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और हमने रेन पैंट भी नहीं है हमारे पास, तो पैर में अगर ऐसी ठंडी घुस गई तो बीमार होना तो 100% है। राजवीर भाई से हमने बात की है और अगर कुछ अरेंज करके दे सकते हैं अभी के अभी रेन पैंट, तो हम आगे का सोचेंगे वरना यहीं पर हम ड्रॉप कर देंगे आज का। तो अभी हम सोच रहे हैं फटाफट होटल पहुँच जाए क्योंकि बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। हम यहाँ पर 45 मिनट पर खड़े हैं, तो फटाफट में निकल के होटल में आपसे मिलता हूँ। तो अभी हम फिर से हमारे होटल में आ गए हैं क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो अभी बारिश लगी हुई है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले मौसम थोड़ा साफ़ हो गया था बट फिर से विजिबिलिटी चली गई, तो सुबह पहाड़ दिख रहे थे और अभी फिर से पूरे क्लाउड्स में ढक गए हैं। तो लेट्स होप अगर शाम तक भी थोड़ा लंच के बाद तक भी थोड़ा अगर वेदर क्लीन होता है तो हम जाएंगे घूमने, वरना पता नहीं। पर हमने टैक्सी के लिए भी पूछा है कि अगर कोई गाड़ी हमें लेके जा सके साइट सीइंग के लिए, तो अगर वो भी ऑर्गेनाइज हो जाती है, अरेंज हो जाती है तो हम टैक्सी में चले जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल तो मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है क्योंकि हमने सोचा था कि हम आज बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे, बट ठीक है आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो आपको वेदर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। लेट्स वेट, लेट्स एंड लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस के आज थोड़ा मौसम साफ हो जाए। अगर वेदर अच्छा नहीं होगा तो कल का प्लान भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो गाइस अभी मौसम हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा दगाबाजी कर रहा है, फिर से थोड़ा धूप आई थी अब फिर से थोड़ा क्लाउडी हो गया, हमने जैसे ही सोचा कि हम निकलेंगे फिर से थोड़ा क्लाउडी हो गया। बट ठीक है अभी हम साइट सीइंग के लिए तो नहीं जा रहे, हम अभी ले मार्केट जा रहे हैं क्योंकि ले मार्केट से हमें थोड़ा सामान लेना है, तो वो सामान लेंगे और फिर अगर टाइम हुआ तो आके चले जाएंगे साइट सीइंग के लिए, वरना वापस आकर होटल में आराम कर लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया अभी, और ज़्यादा ठंड हो गई है,
अब बैठ जाऊँ इसके पहले नीचे उतर से। तो बेचारे जानवर इसी जब जाते होंगे उनसे। और ले में ऐसा है कि अगर आप एक बार एक कोई गली देखते हो तो आपको याद हो जाता है कि कहाँ से आपको जाना है। यहाँ से मैं कल रात को आया था झूले। तो यहाँ के जो लोग हैं वो झूले बोलने पर बहुत खुश हो जाते हैं। झूले एक बहुत ही जनरल वर्ड है, मतलब कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सबका मतलब झूले है। यहाँ पर झूले बोलेंगे तो लोग झूले बोल के रिप्लाई भी करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम एक ये ले लें रेन गैप, ताकि मेरे पास तो है मेरा जैकेट। चल यहाँ खाना गिज़्मो में। तो अभी हम यहाँ पर गिज़्मो कैफे में खाने को आए हैं और हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पर एक ये ले लेते हैं तेजल के लिए, एक रेन जैकेट और एक रेन पैंट। मेरे पास रेन पैंट नहीं है, रेन जैकेट तो है। तो अभी हम आए गिज़्मो कैफे में, जो हमें कल रात को बता रहा था कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। और हमने ऑर्डर किया है हमस विद पीटा और एक मेयो सैंडविच बोला है। और यहाँ का स्पेशल है जो जिंजर लेमन हनी टी है, जो लेट्सी के साथ। चलिए जी, हमारा लंच भी हो गया और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप ले आ रहे हैं तो ये गिज़्मो कैफ़े ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ का हमने हमस खाया और जिंजर लेमन हनी टी, तो ओ माय गॉड, हम ज़रूर यहाँ पर लास्ट दिन का हमारे लेके वापस से आके हम यहाँ पर खाने वाले हैं, क्योंकि इतना टेस्टी खाना और सब कुछ फ्रेश, एकदम फ्रेश इन्ग्रीडियंट्स। यहाँ का जो पीटा ब्रेड भी था वो भी इनका होम बेक था, इतना फ्रेश खाना था, बहुत ही मज़ा आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड टिबेटियन मार्केट, जो ले मार्केट के बाजू में ही है, क्योंकि हमें थोड़ी शॉपिंग करनी है। और मैं राइडिंग जैकेट इसके लिए डाल के चला रहा हूँ क्योंकि अगर हमारी शॉपिंग टाइम से हो गई, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30 इन द आफ्टरनून, तो अगर हमारी शॉपिंग हो जाती है तो हम आगे साइट सीइंग के लिए भी जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे रेन गियर भी लेना है तेजल के लिए। ये आ गया ओल्ड टिबेटन रेफ्यूजी मार्केट, तो यहाँ पर ही हम पहले देखते हैं अंदर क्या मिलता है। बहुत मस्त प्यारी तरह से बात कर रही है। आंटी जूजू प्लीज। अम्मा जो है बहुत अच्छा डिस्काउंट देता है, अगर आप ले में आ रहे हैं इनकी शॉप से जरूर लेना। बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत फनी है, डिस्काउंट भी बहुत अच्छा देते हैं।
तो अभी हम फिर से आए हैं ले मार्केट में। हमने बहुत सारी शॉपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जी हमारा ले मार्केट का भी काम हो चुका है। मतलब ऑल दो हमें जैकेट नहीं मिला और रेनवेयर भी नहीं मिला, बट वो हम मैनेज कर लेंगे। हमने बात की है राजवीर भाई से, वो कुछ अरेंज करके देंगे। बाकी हमें जो घर के लिए जो भी सामान लेना था वो सब हमने ले लिया है। और यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बार्गेन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अभी हमने भी काफ़ी ज़्यादा बार्गेन करने के बाद चीज़ें ली तो हमें बहुत अच्छे प्राइस पे मिली। अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी बार्गेन कर सकते हैं और अच्छे रेट पे चीज़ें उठा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं। मैंने पहले भी बताया था, रात के टाइम बताया था, बट दिन के टाइम पर सब अच्छे से दिख रहे हैं सब होटल्स। और सबका जो आर्किटेक्चर है वो काइंड ऑफ सेम है, सिमिलर है टिपिकल लद्दाखी स्टाइल। हमारा होटल द ग्रैंड लद्दाख।